अच्छा लोकेशन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूल इन्वायरमेंट है और फ्रेश एयर है बिकॉज हम लोग इतने पीक पे हैं। और यहाँ पे पीछे घुड़ सवारी है, पीछे तो देखो वाले हैं, कभी भी आके हमको उड़ा के जाएंगे, बोलेंगे ए मित्रा भगना, पर कोई नहीं। हम लोग सुबह सुबह उठ के यहाँ पे आए तो सुबह मतलब मूड ख़राब हो गया था और यहाँ पे इसका भी मूड ख़राब हो गया है और वो उसको लेकर चला गया कहीं घुड़सवारी करने, क्योंकि घोड़ा खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और आपको बंदरों से हमेशा बच के रहना है क्योंकि बंदरों का अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपकी वाट लगा देंगे। और यहाँ पे यानी मतलब बहुत चीज़ें अवेलेबल है, लाइक आप ऊपर आओगे तो आपको एक रेनकोट मिलेगा जो 30 रुपये का है फ़िलहाल, नेक्स्ट टाइम क्या भाव रहेगा वो भी नहीं पता। हैट के रेट्स अलग है और मोबाइल कवर्स मतलब जो कि प्लास्टिक है वो भी 10 रुपीज़ के। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको भुट्टा दिखेगा काफ़ी अच्छा था। और मेरे साथी लोग यहाँ पे आ चुके हैं हैट लेने और ये रेनकोट बिकॉज ऑफ बारिश चालू हो रहा है धीरे धीरे। ये शर्ट वाला है क्या? तो ये शर्ट वाले की आप क्वालिटी देख लो, स्टोरेज ज़्यादा है इसमें, बैग आएगा इसमें भी, लेकिन सर नहीं आएगा। और ये हेड कितने का है? 30 रुपये का। 30 रुपये हेड ले लीजिए। Two hours later ये नॉर्मल से इलास्टिक है जिसको आप रेनकोट के साइज़ में इन लोग ने शेप दिया है और एक कैप लिया है हम लोग ने, तो फुल ये साइज़ में आ जाता है। मतलब बटले लोग के लिए काफ़ी अच्छा है और हाइटेड लोगों के लिए अच्छा नहीं है, मतलब नॉर्मल है। और ये कैप पहनने के लिए आपको ये नीचे का इलास्टिक भी लगाना पड़ेगा। पूरे माथेरन पब्लिक वाले मनाली कवाली और मेरे जैसे टॉल पीपल्स के लिए हाइट इतनी है तो भी कंफर्टेबल है, कोई अड्डा पहन के आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं है। सर्वाइव योर ओन नॉट कर रहा हो दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। अभी हम लोग ने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाए शॉप के ओनर से और साथ में आप अगर यहाँ पे देखोगे तो एक CR लिखा है। अब CR मतलब मुझे सेंट्रल रेलवे तो लगता नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया। अब यहाँ पे लिखा है वेलकम टू माथेरान। और यहाँ पे सबसे एक अच्छी चीज़ लगी कि अगर आप मार्केट में जाओगे 2.5 किलोमीटर आपको यहाँ से वॉकिंग है और आप वॉकिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे ATMs मिल जाएंगे। ग्रेट, अच्छी बात है और वेलकम टू द माथेरान। तो एक और न्यूज़, यहाँ पे जो अमन लॉज है तो वहाँ पे आप ट्रेन देख लो पहले, अमन लॉज करके ये है स्टेशन। तो यहाँ पे जो ट्रेन थी 11:55 की थी वो हमने मिस नहीं की, वो कैंसिल हो गई। उसके बाद 12:45 का ट्रेन है, उतना तो हम लोग वेट नहीं करेंगे। यहाँ पे ट्रेन की टाइमिंग थोड़ी अलग है, बट आप ट्रेन देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। और हमने रेट्स भी इंक्वायरी नहीं किया बिकॉज हम लोग ने ट्रेन की टिकट ही नहीं करी थी। अब आप फोटोज निकालो, आप कुछ भी तो अभी हम लोग भी इसमें कुछ फ़ोटोज़ निकाल लेते हैं, मतलब ऐसा शो करेंगे कि हाँ फ्रेंड्स हो गए, हम लोग भी ट्रेन का ट्रैवलिंग किए थे। आप ही जा सनम मर मिटेंगे। आपको जो बैकग्राउंड नॉइस मिल रहा होगा लोगों का उसके लिए काफ़ी खेद है और ये हमारे साथी नहीं है।
अपने आप को रिफ्लेक्शन में दिख रहा रहूँगा। काफ़ी काफ़ी कूल लग रहा है, बहुत अच्छा फील दे रहा है। यहाँ पे लोग जो बैठे हैं उनको लाइट नहीं है, बट दे आर एंजॉइंग टू मच, अगर आप भी देते हैं। और यहाँ पे आपको एडजस्ट काफ़ी करना पड़ेगा। और मैं आपको एक पीछे का इंजन दिखा देता हूँ, वेलकम इंजन दिखा दो फिर से। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, जो हर जगह हर घर तिरंगा का जो सीन हुआ है, ऊपर से 75 आज़ादी का महोत्सव, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग काम आपको ड्राइवर भी दिखा सकते हैं। तो क्वाइट नाइस अमन लॉज जो मैंने आपको बोला था, तो ये अमन लॉज है। और यहाँ पे फिर से फोटोज लेने पड़ रहे हैं मुझे। अचानक से काफ़ी फॉग आ गया है, काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मतलब मैं ये चीज़ के लिए ही मतलब ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। और आप देख सकते हो मतलब जो आपको चाहिए, मतलब यही आपको चाहिए, एक फॉग फॉग फॉग, बस और कुछ नहीं चाहिए। फॉग ही चाहिए ज़िंदगी में, क्या चाहिए लाइफ में, क्या चल रहा है, फॉग फॉग इतना बढ़ गया है। और साथ में आप व्यू देख सकते हो। हम लोग को ये फुटवेयर मतलब ये पाथ ही फॉलो करना है। ये हमारे फोटोग्राफर, ये हमारे पोजर, और मैं यहाँ पे एक व्लॉगर, अल्लाह व्लॉगर। अपने खुद के स्लो मोशन बनाने के बाद अब ट्रेन आ रही है, ट्रेन ने हॉर्न किया है, तो उसके विजिट पे भी मैं आपको वो डेफिनेटली दिखाना चाहूँगा। तब तक आप फॉग के मज़े लीजिए। यहाँ पे फॉग का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट मैं फॉग का प्रमोशन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग बहुत इंटरेस्टेड है। साथ में मेरा नेट कनेक्शन कहाँ से आ गया, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरे फ़ोन बज रहे हैं, स्नैपचैट सब कुछ आने लगे हैं। बाय ब्लॉगर 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 मीन्स टू ब्लॉगर, तो अलग ही इंटरेस्ट आता है काफ़ी। और हमारे सीट, लेट्स फॉलो। और काफ़ी से हम लोग वीडियो में आ रहे हैं सबके। और यहाँ पे रॉक्स को बांध के रखा है कि वो गिरे नहीं, और इनका जो शो है वो बना रहे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं बात कर रहा था, आपको डिफरेंट लाइट कंडीशंस में मैंने दिखा दिया है, तो आपको जैसा इस पे फोटो लेना हो आप ले सकते हो। मिलते हैं थोड़ा आगे चल के। थोड़ा बोर होते होते बोर लेने आ गए, बिकॉज वी आर बोरिंग पीपल, सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल। फॉग है भाई, फॉग। और अगर आप यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने पार्टी स्पीकर्स लेकर आइए, बहुत अच्छा चिल मिलेगा आपको। नहीं तो आप वैसे देखते रह जाओगे। व्लॉगर्स को ज़्यादा बकबक नहीं करना चाहिए, मतलब से मतलब भर का बात करना चाहिए। एक रिकमेंडेशन है आप सबके लिए कि शूज़ पहन कर ही आना, कोई स्मार्ट वॉच बदना मेरी तरह। और यहाँ पे चलते चलते आपको एक स्वीट सी आवाज़ आ रही होगी, जो कि यहाँ के वाटरफॉल की है, मैं आपको डेफिनेटली दिखाना चाहूँगा। गंदगी है थोड़ी, बट क्वाइट अमेजिंग। और इसके बाद हम चलते हैं फिर एक बोर खा के। और यहाँ पे आप अगर आप आते हो तो आप एक दिन के लिए आओ, मतलब एक दिन से ज़्यादा के लिए आओ, ऐसा नहीं कि वन टाइम में आप चले जाओ। होटल्स बुक करो, फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ। और होटल्स तो डेफिनेटली लो, बिकॉज आप यहाँ पे विज़िट एक बार नहीं दूसरी बार भी करना चाहोगे। और यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं एक्सपांड करने के लिए जो आपने नहीं की हो। अब यहाँ पे तो मैं वॉकिंग जा रहा हूँ, मतलब वॉकिंग में जा रहा हूँ चलते चलते। और बाकी लोग ट्रेन से जो चले गए वो जल्दी पहुँच जाएंगे। हमारा 2.5 किलोमीटर का सफ़र था, क्या मालूम कितना किलोमीटर हुआ। और अब बंदे से बचने के लिए मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, थैंक यू। तो मैं यहाँ पर ट्रैवल करते करते आया हूँ, और यहाँ पर मायरा पॉइंट भी है, अगर आपको जाना जा सकते हो, मेरे पास टाइम नहीं जाने का। और यहाँ पे कुछ चप्पल सैंडल्स बिक रहे हैं 300 रुपीज़ में,
और सेकंड थिंग आपको ये मैप देखना है तो मैप का फ़ोटो मैं डाल देता हूँ अभी, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा वीडियो पे ही। यहाँ पे आप ऐसे चलते चलते एक ब्लॉग सॉरी म्यूज़िक बना सकते हो, रील्स। मौसम मौसम मैं आपको थोड़ा उसका वाइब भी दे देता हूँ। मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम, मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल, बस पल भर में आके बसी है वो मेरे मन में, उसकी कमी है अब जीवन में, वो दूर है मेरी नजरों से, क्यों उसे मैं चाहूं। चलो थोड़ा म्यूजिक फॉलो कर रहे हैं, स्पीकर वाले हम भैया के साथ मिलते हैं आपको भी थोड़ा मेरे को स्पीकर लेके आना चाहिए था। अभी यूट्यूब पे हमारी अर्निंग चालू नहीं हुई है तो हम लोग अभी गरीब आदमी हैं, तो जब हो जाएगी तब हम लोग भी कुछ ना कुछ जरूर 60-60 वॉट के ब्लूटूथ स्पीकर लेकर चलेंगे, घूमेंगे साथ में, गिम्बल की जरूरत नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, थक गए अभी, चलते चलते थक गए अभी, और आगे लंबा रास्ता। बोट का स्पीकर है, मेरे सिस्टर के पास अच्छा फ़ोन है तो अगर वो वीडियो शूट करके जूम करेंगी तो आवाज़ भी उनका कैप्चर ज़्यादा करेगा। और ये गोकुल भी, तो छोटे बंदर ने एक आदमी से लिमका छीन लिया और लिमका का बोतल जस्ट यहाँ पे गिरा था और यहाँ पे गिरने ये रिटर्न आ रही ट्रेन, तो जब लिमका गिरा तो उसका बोतल फट गया, तो बोतल फटा तो बेचारा वो पी नहीं पा रहा, वो पी रहा है तो मतलब बीच से ही गिर रहा है, अगर थोड़ा भी वो बोतल घुमा ले तो उसका काम हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे को थोड़ा आगे जाना पड़ रहा है जल्दी, ठीक है मैं उड़ना चाहूँ, देखो उड़ाना देखे, और यहाँ पे रिटर्न जर्नी सबकी हैप्पी जर्नी हो रही है। अब कोई मुझे हाई बाय करता है कि नहीं देखते हम लोग, काफ़ी काफ़ी गरीब लोग हैं, काफ़ी थके हुए लोग हैं। 2000 years later. किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। बाकी मैं आपको दिखाना चाहूँगा माथेरान मेरल, और यहाँ पे है वाल्मिक नगर, यहाँ पे भी कॉटेजेस वगैरह होंगे, हाँ है ग्रीन कॉटेज, तो कॉटेजेस की कमी तो यहाँ पे नहीं है, बस जाने वालों की शायद कमी हो, चालू रह भी रहे हो। बंदरों से बचने के लिए मुझे काफ़ी बार अपना फ़ोन छुपा के रखना पड़ रहा है, ये इनको हम लोग मुर्गी बोलते हैं, बट इनको जंगली मुर्गी बोलती है, तो इन लोग फाइट करते हैं, तो फाइटर मुर्गी जंगल में पाई जाती है, मैंने वहाँ पे भी देखा था। हाँ तो मार्केट मार्केट ऊपर है, तो हमें यही चाहिए था कि मुझे मेरा चप्पल भी सिलवाना था और वो रहता रहता रह गया। यहाँ पे चीज़ों का भाव ज़्यादा है, 20 रुपये के पानी का बोतल 30 रुपये, तो आप कुछ भी सैंडल मुन्ना तो जगह लेना, तो हुई दिस मुन्ना, बंदर बन के जाने वाले हैं, काफ़ी मज़ा लेने वाले हम लोग, काफ़ी 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 मज़ा आने वाला। और यहाँ पर हम लोग कितने दूर तक पहुँचे, कितना किलोमीटर हम लोग चले हम लोग को मालूम नहीं है, मार्केट में रिटर्न आ गया। यहाँ पे हर चीज़ का बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने चप्पल के भाव पूछे थे जो बारिश में यहाँ पे चलते हैं, उनके प्राइस 300 रुपीज़ है। काफ़ी देर बाद हम लोग रिटर्न वीडियो पे बैक आ रहा हूँ, मैं चप्पल सिलवा लिया, मेरा 10 रुपया लगा मुझे, और आते आते आई लव माथेरान का हाल कुछ ऐसा है, तो मैं आपको व्यू ही दिखा देता हूँ, सो सिंपल। और बाकी हम लोग चलते आगे, और ये माथेरान स्टेशन है तो हमको यहाँ तक ही पहुँचना था, तो जहाँ पे हम चढ़े वहाँ से हम लोगों को 10 कदम चढ़ना चलना पड़ा, हमें चप्पल का शॉप मिल गया, हमारा सारा काम हो गया। और यहाँ पे रंगोली रिट्रीट करके भी है कॉटेज होटल, रूम्स आपको मिलेंगे काफ़ी, और ये पूरा मार्केट है, तो मार्केट जैसा एथनिक
चहल पहल है। एक बंदर ने अभी बॉटल लिया है जस्ट, उसको फेंका, बॉटल फेंक के दिया है क्योंकि पीछे पड़ गया था और थोड़ा इस पर गैस बन गया था कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे देखना है कि जब ये खोलेगा तो क्या होता है इसके साथ। अभी खोल भी पाता है नहीं, वो भी एक बड़ी बात है। और वो शायद चैंपियन वाली पार्टी करना चाहता है, उसके इरादे वैसे ही लग रहे हैं। अब वो छुपके से खोल रहे हैं वहाँ पे, वो खोल के ही रहेगा। मुझे देखना है वो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि खुलता है तो होता क्या है। बहुत ज़्यादा खोल दे बस वो। नहीं खोल पा रहा है, ढक्कन ही तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो, ढक्कन नहीं टूट रहा है उसको। यार कैप खोलना शायद आ जाता तो, मतलब इतना वेल ट्रेन नहीं है वो, उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने थोड़ा घूमा और वो थोड़ा थोड़ा समझ गया। और इतिहास गवाह, इंसान लोग होशियार हो जाते हैं। क्या बात है। और कुछ नहीं हुआ, कुछ फेस वेस नहीं आया, काफ़ी अच्छा काम। स्मार्ट ही स्मार्ट, हमारी से चालू हो गया है, काफ़ी अच्छा है। चलो बहुत अच्छा लगा ये देख के। रिस्पेक्ट 999 लिखूंगा मैं उसको। थोड़ा भी नहीं गिरा उसने, फिर आने के पहले ही पी लिया काफ़ी काफ़ी। आते आते मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें देखी है और आप देखेंगे तो यहाँ पे मत किड्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जंपिंग जपक, इलेक्ट्रिक चॉपर, श्री राम मंदिर भाई, जय बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। तो अभी नारोजी लॉर्ड गार्डन में आए हम लोग, अंधेरा कायम रहे। कैसे लग रहे हो नेपाली? देखो कौन किसको बोल रहा है बिना सोचे समझे। ये भी एक अलग तरह का केक है और ये गार्डन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं आपसे प्लीज़ यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे आप यहाँ पे फ्लावर्स लीव्स कुछ भी ना तोड़े। ग्रीन मूवमेंट, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मूवमेंट को आप बढ़ावा दे रहे हैं। थोड़ा फॉग देखने मिल रहा है और मुझे फॉग बहुत पसंद है। दिस इज माधव जी पॉइंट। ऐसा बारिश चालू हुआ और साथ में फॉग भी आना शुरू हुआ है, आप देख सकते हो काफ़ी काफ़ी फॉग आया है। मतलब अभी तक कुछ नहीं था यहाँ पे, फुल क्लीन था और फ़ोन इतना फॉग नहीं दिखा पाता क्योंकि इतना अच्छा फ़ोन नहीं है भाई, इतना अच्छा कैमरा नहीं है भाई, बट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि फॉग है। और फोटोज तो इतने स्टनिंग आ रहे हैं ना। हाँ वीडियो में भी मैं फोटोज निकाल सकता हूँ। अच्छा हम लोग आर्चरी के लिए अब आए हैं और मैं मेरी सिस्टर बोलती है इतना घटिया है फिर भी हम लोग खेलना चाहते हैं। मतलब मैंने इतना फोर्स किया है कि एक बार खेलने मिलने में क्या जाता है। यहाँ पे 100 रुपीज़ चार्जेस है 5 शॉट्स के और उस पर प्राइजेस भी है, बट प्राइजेस से ज़्यादा प्राइजेस का तो लालच सबको आता ही है, तो सीधी बात है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसने बिना देखे भी। खींचना है सर और जोर से आपको। हाँ फिर भी होता क्या। और खींचो जी।
एक शॉट और है। ओ भाई वाह, थोड़ा सेंटर पे लग के रिबाउंड हुआ तो हम लोग को एक कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, हम लोग फिर से ट्राई कर रहे हैं। वेट 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 वेट, ओके। और ये वाट लग गई, वी ट्राइड आर बेस्ट, वी एंजॉयड। मैं सो बहुत बोलता हूँ, अभी हम लोग खंडाला पॉइंट माथेरान मैं एंटर कर रहे हैं। फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना, जाने कौन हूँ समझ आई ना। फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना, जाने कौन हूँ समझ आई ना। ओ शक्ल से देखो मैं सीधा साधा, वो सब कहते हैं मैं हूँ राजा नहीं अब मैं प्यादा। चांदनी चौक टू चाइना, जाने कौन हूँ समझ आई ना। From Chandni Chowk to China, dekha kabhi hai tune aina, o shakal se lagta hai bilkul chokar, akal se zero, tu gir jayega jo lagegi thokar. Hours later. So, यहाँ पे आप आते हो तो आपको दो रास्ते दिखते हैं, आपको राइट जाना है तो आप राइट जा सकते हो, लेफ्ट जाना तो लेफ्ट जा सकते हो। राइट में आपको पुलिस स्टेशन मिलेगा, चार्लॉट लेक मिलेगा, इको पॉइंट। इको पॉइंट तो सब नॉर्मल समझ में आ रहा होगा, आप कुछ भी बोलोगे तो आवाज़ इको होगी, वो डेफिनेटली हम ट्राई करना चाहेंगे। उसके बाद लोहिता पॉइंट। फिलहाल हम जा रहे हैं डैम साइड। इको पॉइंट वही है ग्रेट ग्रैंड मस्ती वाला, जहाँ पे आप अपने लवर का नाम लिख लो तो उधर रिटर्न से आवाज़ आती है अपने लवर का दूसरे साइड से। वो वही इको पॉइंट में जा रहे हैं। अब कितने लोग का ब्रेकअप होने वाला है उनको शेयर कर देता हूँ, और साथ में आप देखोगे ना काफ़ी मतलब प्रीमियम क्वालिटी मतलब बनाया है स्ट्रक्चर है उन लोग का, और जो उनका मतलब शो हो रहा है मतलब काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। अब मैं आगे से आपको नहीं दिखाया बिकॉज अब मैं आगे से ही आया था पहले, बट आई मिस्ड। शायद अगर मैं रिटर्न आऊँ यही जगह से तो मैं आपको दिखाऊँ। नहाने के बाद आपको यहाँ पे सब लिखा हुआ रहेगा कि लेक सब कहाँ पे है। यहाँ पे भी दो रास्ते आते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तो यहाँ पे श्री सरनाथ मंदिर है, तो यहाँ पे आपको डैम भी मिलेगा जो कि लेक है। सो लेट्स गो। Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe. Oh, tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Peu de position pour danser, peu de position pour bouger. Y'a qu'à topin à vous danser. Ding 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 और राइट दोनों है, बट अभी बहुत सीधी सी बात है कि हमको राइट ही जाना है। काफ़ी मशक्कत के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं, और ऐसा लग रहा है मुझे मिल गया मेरा डेस्टिनेशन फाइनली। मैगी कैसे मैगी खा रहे हैं, जो कि 50 रुपये की प्लेट है, 10 रुपये जो 12-13 रुपये की नहीं आती है उसको गर्म करके लोग देते हैं 50 रुपये में। और कांदा भजिया यहाँ पे 60 रुपये का है, काफ़ी अच्छा है, जो मिल रहा है मजबूरी में खाना पड़ रहा है, मजबूरी में गर्म गर्म इन्जॉय कर रहे हैं। क्या करें, क्लाइमेट भी एकदम सैनोक वाला है, कभी फॉग है कभी रेन है कभी प्लेन है। मेरे फ़ोन में 3 GB से भी लेस स्टोरेज है, मुझे 2-3 मूवीज़ डिलीट करनी पड़ेगी। दो ही मूवीज़ है मेरे फ़ोन में, और ये लेक है, लेक में बहुत अच्छी हवा आ रही है, साथ में मेरा टोपा भी उड़ रहा है, और आगे ही डैम है, मैं आपको डैम भी दिखाता हूँ। काफ़ी मस्त हवा चल रही है, ऑसम। और आज मैं एक वर्ड बहुत यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है काफ़ी, क्योंकि मैंने अभी जस्ट पिया था काफ़ी। ओहो भाई ये हवा, मेरा एक बार वीडियो हवा में उड़ रहा है ना, मेरे को दिखा नहीं।
और खतरों के खिलाड़ी का कॉन्टेस्ट जीतिए। शर्तें लागू, शर्तें ये है कि अगर आप डूब गए तो डूब गए, कोई नहीं बचाएगा। जरा ठहरो, जरा बैठो, करनी है बातें, पास आओ और थोड़ा सर्द है रातें। आसान होता तो मैं कब का। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी आगे आए हैं। मेरी आवाज़ भी जा रही है। लेक हम लोग ने क्रॉस कर लिया, वहाँ थोड़े फोटोज निकाले हैं, शायद अच्छे होंगे, शायद नहीं भी अच्छे होंगे। और हवा काफ़ी चल रही है, बारिश भी ज़्यादा है, और हवा की वजह से आपको थोड़ा नॉइस इंटरफेरेंस होगा, पर फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरा लेंस भी थोड़ा पानी की वजह से उधर पकड़ रहा है, क्लीन करना पड़ेगा फॉग। और ओके, आपको डैम दिखा पाऊँगा मैं, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है। आ चुके हैं यहाँ पे डैम के, यहाँ पे वहाँ पे पीछे एक लॉर्ड पॉइंट है जो एक मिनट का ही है। और ये पूरा आप लेक देख सकते हो, यहाँ पे गंदगी भी जो कर रहे हो भी आप देख सकते हो। तो रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से, आप ऐसा काम मत करो प्लीज़ जिसने फेंका है, मालूम तो है नहीं। यहाँ पे बंदर है तो अपना फोन सब कुछ सब संभाल के रखना होगा। आगे भी कुछ है, एकदम क्लीन हो गया है, सिर्फ दो मिनट में आप देख सकते हो कितना क्लीन, मतलब फॉग चला गया है तो चीज़ें कितनी क्लीन हो गई है, जो अभी तक विजिबल नहीं था अब सब विजिबल है, और फिर से फॉग आ रहा है। तो मित्रनो, हे आए आमचा डैम, सेवा तुमसे वाट पाट अस्ता, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे बहुत, वाट पहाट अस्ता। और यहाँ पे बहुत पानी है। आपको डैम का एक और व्यू दिखा रहा हूँ मैं वहाँ पे सामने, यहाँ पे जो ये भगा रहा है ना सबको, मतलब जो हाय बाय बोल रहा है, वहाँ पे था मैं। तो ये ऐसा है डैम, बहुत अच्छा है। फॉग आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर हम हार नहीं मानेंगे, हम नीचे भी जाएंगे। अभी डैम के बाद हम लोग डायरेक्टली ऊपर निकले हैं, और वहाँ से अभी हम लोग एको पॉइंट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो हम लोग रिटर्न जाने वाले थे, बस सोचा एक एको पॉइंट देख ले, क्योंकि अभी टाइम भी 3:30 के ऊपर हो गया है, 4 बज गया है कुछ। सो बस वो एक लास्ट विजिट रहेगा हमारा, उसके बाद ब्लॉग एंड होगा। उसके बाद और क्या क्या अपडेट्स दे सकता हूँ मैं आपको देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू। सो यहाँ पे लिखा हुआ है सुमती विलास एको पॉइंट माथेरान, फिर एको पॉइंट मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। और ये पूरा पॉइंट्स मार्केट वगैरह जाने के लिए, चलने के बाद भी एको पॉइंट में जाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है, बिकॉज ये तो जंगल ही है, और जंगल में कंडीशन ऐसी ही होते, कभी भी किससे भी आपको ज़्यादा खतरनाक मिल सकते हैं। मुझसे पूछा जा रहा है मैं कैसे आऊँगा, लेट्स सी मैं कैसे आऊँगा इस टूटे चप्पल से। एक पैर इधर रखूँगा, एक पैर इधर रखूँगा हाथ उठो, फिर एक इस पर रखूँगा, फिर पहुँच जाऊँगा। अरे यार नाइस, जितना खतरा उतना प्यारा। अपने साथियों का हमेशा सपोर्ट दे, पैर स्लिप खाएगा अगर साइड में मिट्टी यहाँ पे रखोगे तो, इस पर मत स्ट्रेट ही रखना। उतरना काफ़ी डिफिकल्ट है, और यहाँ पे बारिश भी अच्छा हो रहा है। और ये फाइनली हम लोग एको पॉइंट पे भी आ गए हैं।
वहाँ पे जाके चिल्लाएंगे, बिकॉज चिल्लाने का मज़ा तो एको पॉइंट पे। अब एको पॉइंट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे हवा इतनी चल रही है, थिंक सो आवाज़ अगर हम लोग चिल्लाएंगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा, बस कैप उड़ जाएगी, और कैप उड़ गई गिर गए तो डबल आवाज़ आएगी, वैसा एको पॉइंट है। और बारिश काफ़ी है, मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ भी नहीं है, पर मैं वाटरप्रूफ हूँ पूरा। नहीं हुआ, पोपट हुआ, हवा हवा ऐसी है। तो यहाँ पे एक व्यू और मिल गया हम लोग को, एक व्यू फाइनली मिल गया है, तो मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पे रिवर्स पानी तो आता है पर कस्टम से ऑसम है, आप खुद मतलब समझ सकते हो यहाँ के नज़ारे। अगर आपको एको देखना है तो आप ठंडी में शायद देख सकते हो, और गर्मी में तो डेफिनेटली देख सकते हो। और यहाँ पे रिवर्स वाटरफॉल था, यहाँ से लाल मिट्टी उड़ उड़ के हमारे ऊपर आ रही थी। मेरे फोन सब कुछ सही है वैसे अभी तो। ये देखो, अगर आपको देखना है तो प्रूफ यहाँ पे है, रिवर्स वाटरफॉल की। रिवर्स वाटरफॉल यहाँ से सामने से जुब जुब करके उड़ रहे हो, मतलब विमल बोलो जुमा केसरी। ये देखो जुबा केसरी कपड़े पे भाषा है रिंग्रूप में। ये देखो एक भी और अच्छा सा मिल गया ना कुछ हटे। यहाँ पे वादियों में आते आते हमको एक टोपी भी दिख गई, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे पूरा कोहरा ही कोहरा, और आज मैं चारों तरफ वादियों में कोहरा ही कोहरा है। ये मेरी पहली 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 पैराग्लाइडिंग है। यहाँ पे आके हम लोग को एक वेज होटल मिला है, रामकृष्ण रेस्टोरेंट। अब यही है जहाँ पे हम फ़ोन भी चार्ज करेंगे और खा भी सकेंगे, तो हम खा के आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे भी एक पॉपट हो गया कि अब सारे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं खाने के लिए। बंद है बेटा, बंद हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरे व्लॉग का लास्ट पार्ट है। हम लोग 4:30 बजे से ढूंढ रहे थे रेस्टोरेंट्स, 4:30 भी नहीं, सब बंद हो गए 4 बजे। 4 बजे से ही ढूंढ रहे थे हम लोग, 4 बजे से रेस्टोरेंट बंद, मैंने टाइम देखा था। तो वहाँ पे जो भी वेज रेस्टोरेंट्स थे सब बंद हो गए थे, बस नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स ही ऑन थे। और 4:30 बज जाएगा तो आप ज़्यादा लेट हो जाओगे, तो आप ट्राई करो कि 3:30 तक आप यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि काफ़ी लोग लाइन लगा के रखते खाने के लिए, लोगों को भी भूख लगी रहती है। और हम लोग तो यहाँ पे अभी बिना खाए निकल रहे हैं, पर एक बात अच्छी है, हम लोग थोड़े बिस्किट्स लेकर आए थे, घर से ही कैरी किए थे, तो उसी के बेसिस पे हम लोग थोड़ा खा के चल रहे हैं अभी। और आने के टाइम हम लोग ने वो वे यूज़ किया था रेल वाला, जाने के टाइम हम लोग ये पाथ यूज़ कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कि हम लोग के लेग्स को भी शांति मिले, नहीं तो वहाँ पर और भी प्रॉब्लम होगा। तो गाइज़, अगर आपको ये पसंद आया ब्लॉग तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बाकी तो आपको होशियार ही हो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो आई विल वर्क हार्ड। थैंक यू। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। अरे गुरुजी, ये गाने का मास्टर तो मैं हूँ। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली।